आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कल के दिन। उससे पहले, अभी तक आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो 6 मंथ्स का, या तो अगर आपको मंथली ज्वाइन करना है आप मंथली भी ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ वाले में आपको एक्स्ट्रा हर वीकेंड एक बैच होगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ, 500 पॉइंट 400 300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, फिर करीब करीब 500 पॉइंट तक इंट्राडे में निफ्टी नीचे गया और फिर क्लोजिंग कहीं ना कहीं 400 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। अपने लोस को किया जो मई में बनाए थे, लेकिन ये लो अभी भी पेंडिंग है जो मार्च में बना था। 8 मार्च का जो लो बना था मेरे ख्याल से, हाँ 8 मार्च का जो लो बना था वो अभी तक भी टेस्ट नहीं हुआ है। वो लो का टेस्टिंग होना अभी बाकी है। बाकी जो भी लोज बने थे, फ्रेश लो निफ्टी ने आज इंट्राडे में बना दिया जो मई के महीने में बने थे। मार्च का लो अभी भी पेंडिंग है। नीचे की बाजू की अगर हम बात करें, अभी भी जगह है, और जगह है 15,700 के नीचे सस्टेन करना शुरू करे मार्केट, 15,750-700 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करे तो 15,200 तक के लेवल्स खुलते हैं। बीच में कुछ सपोर्ट निकल के आएंगे तो वो आएंगे 15,640 के आसपास, 640-630, ये एक छोटा सपोर्ट जोन होगा जहाँ पर अगर रुकना है तो रुक सकता है। उसके बाद सीधा 15,450 के आसपास आएगा, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर वो भी जाता है तो 15,200 तक भी निफ्टी एक बार आने को आ सकता है। नीचे के लेवल्स अभी भी ओपन है, बॉटम बना है ये कह नहीं सकते। कल क्या कल ही के कल आ जाएंगे? नहीं, शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, यहाँ से हल्का बाउंस आ सकता है। बाउंस आएगा तो भी कहाँ तक आएगा? बाउंस आएगा तो भी बाउंस आएगा 15,900 तक, 15,940 तक। इसके ऊपर का फिलहाल के लिए मैं बाउंस कल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मोस्टली मैं बता दूँ, इस एक्सपायरी को हो सकेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे जून महीने का देखोगे तो जून मंथ स्टार्ट हुआ था करीब करीब जहाँ पर निफ्टी था 16,600 के आसपास। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी और आने वाली मंथ वीकली एक्सपायरी, यानी 2 वीकली एक्सपायरी, मार्केट को कहीं ना कहीं वापस जैसे लास्ट मंथ किया था वैसे इस मंथ ही नीचे के बाजू रख के ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के साथ निकाल दें। कंसोलिडेशन यानी 15,700 से लेकर 15,200 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट झूमेगा घूमेगा और वहीं पर जाके मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज देगा। लास्ट वीक में अगर मार्केट को एक रिकवरी देनी है तो देगी। इस एक्सपायरी के पहले ये लेवल अगर निकलता है 15,900 का तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, क्योंकि वो आज का हाई है। आज का हाई मैं कह रहा हूँ निकलना इंपॉर्टेंट है, आज का ओपन निकलना इंपॉर्टेंट है, बाकी कल का क्लोजिंग तक जाना तो बहुत दूर की बात है। पहले आज का अगर ओपन जो प्राइस है वो जब तक क्रॉस नहीं होता, जब तक स्ट्रेंथ शो नहीं करने वाला, तो शायद कंसोलिडेशन हो यहाँ पर। या अगर कल इसे क्रॉस भी करता है तो 940 तक एक बार जा सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16,000, उसके ऊपर फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल जाएगा, फिर से मार्केट वापस सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। नीचे की बाजू बात करें तो 15,600-15,500 के लेवल्स तक एक बार के लिए निफ्टी आना चाहे तो आ सकता है। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड व्यू है, कोई क्लियर कट सेलिंग का व्यू नहीं है। इतना सेल होने के बाद अब और एक साथ डायरेक्शनल गिर जावे ऐसा भी व्यू नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भाग जाएगा वैसा भी व्यू नहीं है। थोड़ा बहुत आपको एक कंसोलिडेशन पॉजिटिव बायस, बीच में थोड़ा सा नेगेटिव बायस ये देखने को मिल सकता है। क्लियर कट ट्रेंड कल के लिए कोई नहीं है, कल सेकेंड हाफ के बाद और वेनसडे को थोड़ा सा पॉजिटिव होना है तो हो सकता है। फर्स्ट हाफ के लिए तो क्लियर कट कोई भी व्यू नहीं है, सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। बुलिश साइड पे सेकेंड हाफ के बाद आप ध्यान रखिएगा, अगर होना है तो बुलिश होगा, बेरिश नहीं होगा। बेरिश होना तो कल फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा, बुलिश होना है तो कल सेकेंड हाफ अच्छा है, और वेनसडे को भी फिर शायद एक बुलिश टोन रह सकता है, वो देखने वाली बात होगी। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी का ये रहा बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी भी ये कहूँगा बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी ने अभी भी मार्च के जो लेवल्स है वो मई के जो लेवल्स है वो अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं। स्कोप है हल्की सी बैंक निफ्टी में अभी भी 33,000 तक जाने की, लेकिन स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। पुल बैक आएगा, पहला पुल बैक आएगा तो वो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि बैंक निफ्टी देगा पहला पुल बैक, पहला साइन ऑफ पुल बैक बैंक निफ्टी देगा। और खींच खींच कर अगर बैंक निफ्टी को एक बार आना है तो बैंक निफ्टी 33,950 तक इमीजिएटली
कल आने को आ सकता है, नो डाउट कल ही आ सकता है अगर आना हुआ तो। स्ट्रेंथ जो आएगी वो बैंक निफ्टी से आएगी, निफ्टी फॉलो कर सकता है बैंक निफ्टी को, फ्रेश मूवमेंट निफ्टी की तरफ से आना मुश्किल है। जो भी होगा सेकेंड हाफ के बाद ही होगा, अगर पुल बैक वाला काम होना है। फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन टू थोड़ा साइडवेज रह सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा बुलिश रहने के चांसेस ज़्यादा है कल के दिन। नीचे की बाजू बात करूँ तो 33,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बैंक निफ्टी में काम कर सकता है। बाकी डिटेल व्यू के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।